जीवन में सफलता पाने के लिए खुद की कीमत बढ़ाना जरूरी है। आप जितनी खुद की अपनी खुद की कीमत आप जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतने ज़्यादा सफल आप आपके जीवन में हो सकते हैं। तो आइए, हमारे ये चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गणकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, बॉम्बे, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स हैं। काफ़ी लोग जब हमारे पास में आते हैं तो हमको कुछ उनको मोटिवेशनल विचार देने पड़ते हैं। हम उनको काउंसलिंग करते हैं, फ़ोन पे काउंसलिंग करते हैं। उनको हम बोलते हैं कि भाई चलो ये माध्यम से देखिए, आपको इसमें कुछ मिल सकता है क्या आपके लाइफ के लिए। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी और वैल्यू अपनी खुद की बढ़ाने से क्या संभव है वो भी आपको समझ में आएगा। एक गरीब घर में रहने वाला लड़का, पिताजी बहुत गरीब, दो टाइम खाने के भी उनके वांदे। पिताजी ने बच्चे को बोला कि भाई बच्चा तू बन सकता है बड़ा, इसका मतलब ऐसा नहीं है हम गरीब है तो कि हम कुछ नहीं कर सकते। लड़के को लगता था कि अपन पढ़ नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी ज़िंदगी तो गरीबी में जाएंगी, हमको मजदूरी करनी पड़ेगी, तो ऐसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बच्चे को लगता था। पिताजी मगर बहुत इंस्पिरेशनल थे, उनको ऐसा लगता था नहीं कुछ भी संभव है। बच्चों को उन्हें बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी कीमत तू बढ़ाएगा ना तो फिर देखो क्या संभव है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे को उसने क्या किया कि एक फटा हुआ कपड़ा दिया। फटा हुआ कपड़ा जैसा हैंकरचिप रहती है अपना दस्ती, तो उतना ऐसा उसको दिया, बोले चल जा और ये 10 रुपये में बेच के आ जा। अब उसको लगा ये फटा कपड़ा 10 रुपये में कहाँ से बेच के आऊँ, 10 रुपये मुझे कौन देगा ये कपड़े के। तभी भी वो पिताजी ने बोला करके वो गया। वो गया घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे घूमने के बाद में उसका कोई खरीद नहीं रहा कपड़ा। हो आखिर एक आदमी ऐसा मिला कि उसको गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो पूछने की ज़रूरत थी और उसने वो 10 रुपये का कपड़ा उसने वो गाड़ी पूछने के ले लिया, उसको 10 रुपये मिल गए, बहुत खुश हो गया। वो दौड़ते दौड़ते घर में आ गया, बोले पापा मैंने 10 रुपये वो फटे कपड़े से मिला लिए। बोले वेरी गुड, शाबाश। उसने उसको पकड़ लिया, उसको गले में लगा लिया, बोले वेरी गुड। दूसरे दिन जब वो उठा तो पिताजी ने उसको फिर दूसरा और एक कपड़ा दिया और बोले कि चल अभी ये लेके जा और अभी ये 20 रुपये में बेच के आ जा। अब जब उसको बोला कि भाई कल 10 रुपये बेचते बेचते मेरे को 6 घंटे हो गए, अभी ये 20 रुपये में कहाँ से बेचूँ मैं ये, तो पिताजी ने बोला है और हमको करना है ये हिसाब से। उसने ठीक है बोले मैं जाता हूँ और बड़े मुश्किल से वो घर के बाहर निकला। कौन ले रहा हो 20 रुपये में कपड़ा, कोई लेने को तैयार नहीं है। और उसमें उसके दिमाग में एक आइडिया आ गई। आइडिया इसके दिमाग में ऐसी आ गई, बोले इसके ऊपर मैं कोई फिल्म एक्ट्रेस का यदि एक पेंटिंग करता हूँ ये कपड़े में तो ये कपड़ा बेचे जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने स्कूल के बैग में से कुछ ब्रश निकाले, सामान निकाला पेंटिंग का, उसने एक अच्छा उसके ऊपर एक फिल्म एक्ट्रेस का पेंटिंग किया। जैसे उसने पेंटिंग कर लिया और फिर वो बाहर गया, स्कूल के बाहर खड़े रहा, बोले ये पेंटिंग है, पेंटिंग है, पेंटिंग है, ले लो ले लो ले लो, बेच रहा। तो उसको 20 रुपये का पेंटिंग वो बेचे गया, बहुत ही खुश हो गया वो कि 20 रुपये का पेंटिंग चलो बेचे गया करके। और दौड़ते दौड़ते घर में आया, पिताजी को बोला देखो मैंने पेंटिंग बेच दिया और ये 20 रुपये मैंने कपड़ा बेच के ला लिया। पिताजी बहुत खुश हो गए, बोले देखो कल 10 का प्रॉब्लम था, आज 20 का भी प्रॉब्लम नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको उठने के बाद में उसको बोला तू अभी ये कपड़ा लेके जा, फिर और एक उसको कपड़ा हाथ में पकड़ा दिया, बोले अभी ये कपड़ा 200 रुपये में बेच के आ जा। अब उसको तो बोले हाथ सिर पर रख रहा हो कि भाई अभी कैसा संभव है, ये तो करते करते मेरे दिमाग में तो मतलब ये टाके आ गए, अब ये कैसा संभव है। तो पिताजी ने बोला है तो उसने बोला ठीक है मैं ये करूँगा। उसने फिर वो देखा, सोचा क्या ये 200 रुपये में कपड़ा कैसे बेचे जाएगा, एक पुराना कपड़ा 200 रुपये में कैसा बेचे जाएंगे। उसने कपड़ा धोया, उसको प्रेस वगैरह कर लिया और बाद में उसने सोचा अभी करना क्या है, पता नहीं क्या करना है। तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको उतने में खबर आ गई कि उसके गांव में एक फिल्म का शूटिंग हो रहा है और वहाँ बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस आई हुई है। वहाँ दौड़ते दौड़ते वो गया, काफ़ी भीड़ थी, और दौड़ते अंदर घुस गया वो भीड़ में और वो एक्ट्रेस के पास में सीधा जाके पहुँचा। वो छोटा लड़का देख के भी उनको ऐसा लगा कि चलो भाई इसे बात कर लो। एक्ट्रेस ने उसे बात किया, बोले क्या चाहिए, बोले नहीं आपका मुझे दस्तखत चाहिए, सिग्नेचर चाहिए आप। तो उसने ठीक है बच्चा बोल रहा है, तो उसने उसको उसका सिग्नेचर दे दिया वो कपड़े के ऊपर। बहुत वो खुश हो गया, कपड़ा लेके वो बाहर बाजार में खड़ा रहा और उसने बताया कि देखो अभी मेरे को ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस है ना, इसकी मुझे सिग्नेचर मिली हुई है, कपड़ा लो कपड़ा लो कपड़ा लो, ये सिग्नेचर लो, ऐसा करके वो बेच रहा है और वो 200 रुपये में उसने बेच दिया। बहुत खुशी से वो घर में आ गया, 200 रुपये लेके आ गया। पिताजी बोले देखो मैंने 200 रुपये बेच दिया। बोले तो पिताजी बोले ठीक है, अभी तुमको यहाँ से क्या सीख मिली। बोले सीख ऐसी मिली है कि यदि मैं मेहनत करूँ तो कुछ भी संभव है, और मैं यदि ना नाराज़ हूँ
या ये संभव नहीं है, ऐसा बोलूँ तो ये होगा ही नहीं, ये मुझे सीख मिली। पिताजी बोले वो तो ठीक है, मुझे आपको ये सिखाना था कि देखो आप अपनी वैल्यू जब बढ़ाते हो, जैसा आपने वो कपड़े की वैल्यू बढ़ा दिया, पहले वो सादा कपड़ा था, फटा कपड़ा था, उसकी 10 रुपये कीमत में कोई लेने को तैयार नहीं था, बाद में 10 में बेचे गया। आप यदि उसके ऊपर सिग्नेचर जब लिया, ऑटोग्राफ जब उसने वो एक्ट्रेस ने कर दिया, उसकी कीमत जब बढ़ गई, तो फिर वो 200 रुपये में भी बेचे गया। आप उसको लड़के को बोल रहे उसके पिताजी, यदि तुम्हारी कीमत यदि बढ़ाते हो और वो कीमत बढ़ाएंगे ना, तो आप कितना भी संभव है करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ यू कैन गेट। क्योंकि लोग ऐसे हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स होंगे, फुटबॉल प्लेयर्स होंगे, एक्ट्रेस होंगे, सिंगर्स होंगे, कि जो आज करोड़ रुपए कमा रहे क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ा के रखी हुई है, उनकी वैल्यू उतनी है। तो उसने उसको बताया कि आप वैल्यू जो है अपनी खुद की बढ़ाओ, और वो वैल्यू हो सकती है कि आप में क्रिएटिविटी कितनी है, आप नयापन क्या कर सकते हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका एजुकेशन कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कितने ज़्यादा लोगों के ऊपर आप आपके जो क्रिएटिविटी उसका असर कर सकते हो, वो यदि आप कर दे तो आप अमीर बन जाओगे। आपको मुझे ये बताने का है, हर जवान जो है, हर जो यंग पीपल है, उनको यह है कि अपनी खुद की कीमत बढ़ाओ। खुद की कीमत जब बढ़ाते जाएंगे, वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो फिर आपको आसमान भी आप छू सकते हैं। बस ये मुझे बताने का है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको अच्छा लगा तो जो बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर भी क्लिक करो, ताकि आपको मेरी वीडियो जो है ना, वो सबसे पहले आपको इंटीमेशन उसकी आ जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।